वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। वापस से आ गई अमेजिंग आउटफिट लेकर के। आज मैं आपके लिए यहाँ पार्टी वेयर भी लेकर के आई हूँ, साथ में कुछ कैजुअल आउटफिट भी लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्रिटी प्रिटी है। रिसेंटली मेरे चैनल पे कमेंट आया था कि कुछ बीबा के आउटफिट दिखाएं। मैंने बहुत सारे बीबा के आउटफिट ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, बट या फिर से मैं इस वीडियो में भी बीबा के आउटफिट ऐड कर रही हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी हाइट 5.5 है एंड मोस्टली सारे ही ब्रांड में मैं एल साइज के कपड़े पहनती हूँ। एंड मेरा इंस्टा आईडी मेरे चैनल के नाम से है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। सो बहुत हो गई बातें, चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट आउटफिट जिसके साथ मैं आज अपना हॉल स्टार्ट करना चाहूँगी, बहुत ही प्रिटी है। मैं काफ़ी टाइम से इस आउटफिट पर मेरी नज़र थी, बट हो रहा था कि अभी तक ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। सो फाइनली मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया है। बहुत ही प्रिटी कलर है, रियली बहुत ही प्रिटी कलर है। अगर आपके घर में वेडिंग वगैरह है या आपको किसी वेडिंग में जाना है और किसी हल्दी फंक्शन के लिए आप सोच रहे हो कि क्या लेना है, बहुत हैवी कुछ नहीं लेना है, बस बहुत सेटल भी ना हो, बट बहुत ही ना अप्रोप्रिएट सा आउटफिट हो जो कि आप हल्दी फंक्शन वगैरह में पहन सकते हो, तो यस, ये आउटफिट बिल्कुल ही वैसा है। बहुत ही शानदार आउटफिट है। सो यहाँ पे ये येलो कलर का आउटफिट मैं लेकर के आई हूँ, ब्रांड KSUT से है। आई डोंट नो इसे किस तरीके से मैं प्रोनाउंस करूँ, इसलिए मैं इसे इस तरीके से बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। एंड ये बाकी ब्रांड्स, बाकी अगर आप मिंत्रा पे देख रहे हो तो ये आपको वरंगा ब्रांड से मिल जाएगा। सो ये वरंगा का ही ओन हाउस ब्रांड है। सो ये बहुत ही प्रिटी येलो कलर का आपको आउटफिट मिलने वाला है। फैब्रिक चंदेरी सिल्क है, तो आपको शाइन मिल जाएगी। थोड़ा सा सी थ्रू होता है ये फैब्रिक, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अंदर कुछ वेयर कर लो, वरना बहुत ही टंग ट्विस्ट हो गया, बहुत ही शानदार फैब्रिक होता है एंड बहुत ही प्यारा सा लगता है वेयर करने के बाद। सो कुछ इस तरीके का आपको आउटफिट मिल जाएगा। राउंड नेक है जिसके ऊपर आपको अच्छा खासा ये ना गोटा पट्टी, थ्रेड वर्क एंड सीक्वेंस एंड सब बहुत ही सुंदर तरीके से इस पर आपको ना योक पार्ट तक एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है। बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है देखने में और काफ़ी अच्छा है। एंड फैब्रिक आपको जैसा कि दिख ही रहा है, कलर बहुत ही सुंदर है एंड इस पर शाइन भी मिल रही है, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। आप किसी भी फंक्शन में पहन के जा सकते हो, डे फंक्शन में, नाइट फंक्शन में, आप कहीं भी किसी भी वक्त वेयर कर सकते हो। एंड गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं मेल्ट हो जाऊँगी। सो स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है, तो आपको साइड से एक स्लिट प्रोवाइड करवाई जा रही है। अच्छी सी इसकी डिसेंट सी लंबाई है, तो इसकी जो स्लिट भी है ना वो भी काफ़ी डिसेंट है। एंड अगर हम स्लीव्स की बात करते हैं तो 3/4 मिल जाएगा, जिसपे अगेन यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक डिटेलिंग की गई है, जिस पे आपको ना सीक्वेंस की डिटेलिंग भी मिलने वाली है। तो ये भी बहुत सुंदर है कि स्लीव्स थोड़ा फैंसी है एंड बहुत ही सुंदर भी लगेगा देखने पे। एंड अगर हम बैक की बात करते हैं तो बैक आपको बिल्कुल प्लेन एंड सोवर मिलेगा, बहुत ही सुंदर मिलेगा। अगेन बताना चाहूँगी कि कुर्ते की लेंथ काफ़ी अच्छी है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है वेयर करने के बाद। एंड ये वाला आउटफिट जो मैं पहन करके बैठी हुई हूँ, ये मेरे वीडियो पे या तो मेरे चैनल पे चला गया होगा या आने वाला होगा। सो स्टे ट्यून। इसके साथ ये 3-पीस सेट आया है, तो इसके साथ मुझे इसका बॉटम भी आया है। बॉटम भी बहुत ही सुंदर सा है। सुंदर सा क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सेम फैब्रिक का रखा गया एंड सेम सब कुछ है। एंड बोथ साइड्स पे आपको ना इसके इस तरीके से बैंड मिल जाएगा एंड पॉकेट वगैरह नहीं मिलती है आपको इसमें। यहाँ नीचे आते हुए आपको इस तरीके की इसकी फिटिंग मिल जाएगी, मतलब नैरो फिटेड हो जाएगा ये कुछ इस तरीके का। बट यहाँ पे काफ़ी स्पेस है तो काफ़ी अच्छा होता है पहनना, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। आप इस आउटफिट को होल डे वेयर कर सकते हो। सो बॉटम भी आपको ठीक मिलेगा एंड येलो है तो आपको येलो कभी कभी ना किसी गोल्ड इस तरीके के आउटफिट में भी बहुत जाता है। सो ये काफ़ी आपके दूसरे आउटफिट के साथ भी चले जाएगा। एंड इसके साथ जो दुपट्टा आया है वो देख लेते हैं। दुपट्टा आपको ना हॉट पिंक कलर का मिल जाएगा, जिसपे आपको ना गोल्डन एंड सिल्वर दो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन मिल जाएंगे। आपको दिख रहा होगा इस पर स्ट्राइप्स बने हुए सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ही तरीके का, तो यहाँ पे आपको 3 कलर्स का मिलेगा कॉम्बिनेशन, हॉट पिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, तीनों कलर मिल जाएंगे कुछ इस तरीके का। ये ना काइंड ऑफ ऑर्गेंजा जैसा ही है, बट पता नहीं फैब्रिक ऑर्गेंजा है या कुछ और है, बट लग वैसे ही रहा, इसका टेक्सचर कुछ वैसे ही है। सो ये कुछ इस तरीके का आपको फ्लफी सा दुपट्टा मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड नीचे आपको इस तरीके के इसके 7 टैसल्स मिल जाएंगे एंड गोल्ड एंड सिल्वर आपको दो यहाँ पे ये भी मिलने वाला है। सो दुपट्टा की लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, ये ओवरऑल ये आउटफिट ही बहुत ही सुंदर है। सो आप चाहो तो इसे जाके परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं हम। ये ब्रांड गोसरी से है, काफ्तान मंगाया था
होगा, बट पता नहीं है, मुझे बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट फिटेड कुर्ता रिसीव हो गया, मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है। मैंने इसका काफ्तान ऑर्डर किया था बट यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेट फिट कुर्ता आ गया है, पता नहीं कैसे, बट ठीक है देख लेते हैं। सो आपको ये इस तरीके का प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक में कुर्ता मिलने वाला है, जिसके ऊपर ब्लैक के ऊपर आपको इस तरीके के फ्लावर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक कुर्ता है बट काफ़ी बढ़िया सा फैब्रिक है, कॉटन काफ़ी बढ़िया है एंड प्राइस भी बहुत सही सा है। अगर कुछ आप कैजुअल के लिए कुछ सर्च कर रहे हो ना, फिर आप इस आउटफिट को ले सकते हो। पूरे ही कुर्ते पे आपको ये प्रिंट मिल जाएगा, यहाँ पे नेकलाइन बिल्कुल प्लेन सा है, राउंड है एंड छोटा सा यहाँ पे कट भी मिल जाएगा। स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है तो साइड से आपको एक स्लिट मिल जाएगी कुछ इस तरीके का एंड 3/4 इसके स्लिप्स है। बिल्कुल बेसिक सा कुर्ता है, ऑल ओवर कुर्ते पे आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। बट आप कुछ कैजुअल वेयर में ढूंढ रहे हो या कुछ अपने वर्क स्पेस के लिए ढूंढ रहे हो थोड़ा सा सोवर सिंपल सा, तो आप उस पे जा सकते हो क्योंकि फैब्रिक बहुत ही बढ़िया है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी आपको होने वाला है। सो नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आउटफिट ये अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मंगा के देख लूँ। सो ये एक ड्रेस है, आप इसे ड्रेस की तरह भी वेयर कर सकते हो, आप इसे कुर्ती की तरह भी वेयर कर सकते हो, आप इसे दोनों ही तरीके से वेयर कर सकते हो। इसका जो फैब्रिक है ना काइंड ऑफ मिक्स है, मतलब कॉटन भी है एंड सिंथेटिक भी है, तो काफ़ी फ्लोई होगा। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी लगने वाली है, कपड़े की क्वालिटी ओके ओके सी है, अच्छी सी है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें गर्मी नहीं होने वाली है। सो इस पर आपको बहुत ही प्यारा सा, मुझे इसका कलर प्रिंट बहुत ही सुंदर लग रहा था। हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इस पर प्रिंट है बट फिर भी ये देखने में अच्छा सा लग रहा था एंड राउंड नेक का आपको ये आउटफिट मिलेगा, जिसके ऊपर आपको ना इस तरीके के ना गोल्डन बटन्स मिल जाएंगे। ये प्रॉपर गोल्ड नहीं बोलूँगी मैं इसे, ये कुछ ना जैसे जीन्स के बटन्स होते हैं ना, कुछ उस तरीके का लुक दे रहा है। सो सारे ही फंक्शनल हैं यहाँ पे, आपको सारे ही फंक्शनल है तो आप इजी टू वेयर हैंड। ये आउटफिट ना गर्मियों में इसलिए भी अच्छा है, अगर अपने वर्क स्पेस के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो मतलब इस पर आपको क्रीज नहीं आएगा एंड इसे धोया और सुखाओ ना ये फटाक से सूख जाने वाला है, क्योंकि फैब्रिक मिक्स काइंड ऑफ है ना, कुछ उस तरीके का है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं लगने वाली, आपको वॉश किया एंड पहना एंड डेट्स बस रेडी हो आप। सो इस तरीके का ये आउटफिट मिल जाएगा। इसके वेस्ट लाइन पे आपको यहाँ पे फैब्रिक की गैदरिंग मिल जाएगी एंड अच्छी खासी आपको यहाँ पे गैदरिंग मिल रही है एंड नीचे ये आपको ना नीचे तक आ रहा था, मतलब एंकल से काफ़ी ऊपर ही था, तो ये ठीक ठाक सी है, इसीलिए आप इसे एज अ ड्रेस एंड एज अ कुर्ती दोनों तरीकों से आप इसे वेयर कर सकते हैं। इसके वेस्ट लाइन पे आपको ना इसके साथ एक बेल्ट आया है तो आप उसे बेल्ट लगा के भी स्टाइल कर सकते हो। सो मुझे अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है, सो आप इसे ट्राई दे सकते हो। इसकी स्लीव्स एल्बो स्लीव्स मिल जाएगी, इस तरीके की आपको स्लीव्स मिलने वाली है और बैक से बिल्कुल प्लेन सिंपल सा ये एक आउटफिट है। तो आप चाहो तो लेगिंग पहन करके और इसे एक कुर्ता भी बना सकते हो, और अगर आप इसे ड्रेस की तरह पहनना चाहते हो तो इसके साथ बेल्ट आया हुआ है और टैन इस तरीके का बेल्ट, टैन कलर नहीं है और डार्क ब्राउन काइंड ऑफ है या ब्लैक है, यस ब्लैक कलर का एक बेल्ट आया हुआ है। बेल्ट की क्वालिटी ओके ओके है, अच्छी सी है, तो आप इसके साथ बेल्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साथ में ही आपको यहाँ पे बेल्ट मिल रहा है। सो नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट आउटफिट कैसा है। सो नेक्स्ट आउटफिट ब्रांड बीबा से है एंड अभी गर्मियाँ बहुत है तो उसके अकॉर्डिंग ये कलर बहुत ही सही है। यहाँ पे ये 3-piece सेट के साथ आया है एंड ये वाइट कलर का आउटफिट है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट भी लग रहा है। आपको दिख रहा है ये वाइट सेल्फ पे आपको प्रिंटेड ये कुर्ता मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। इसका नेक लाइन आपको बिल्कुल राउंड एंड छोटा सा मिलने वाला है। अंदर आपको ना यहाँ पे 2 hooks हैं, यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं जो इनसाइड से हैं कुछ इस तरीके से, तो अंदर हुक्स का क्लोजर आपको मिल जाएगा। ओनली 2 hooks मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट बहुत ही सुंदर और डिसेंट सा लग रहा था। यहाँ पे आपको पॉकेट भी मिल रहा है, सो ये भी बहुत अच्छा है। पॉकेट के अंदर जो उन्होंने फैब्रिक का इस्तेमाल किया है ना, वो डिफरेंट कलर का आपको पॉकेट मिल जाएगा। उसके अंदर जो फैब्रिक है वो पॉकेट के अंदर की फैब्रिक का कलर बहुत ही डिफरेंट है एंड ये कुर्ता ही बहुत ही मतलब डिफरेंट है क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा कटआउट मिल रहा है एंड डिफरेंट सा है, तो आप इस कुर्ते को ना एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो और एज अ कुर्ता सेट के साथ आया है तो आप इसे एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो। तो आप एक बेल्ट लगा लो तो ये ड्रेस की तरह भी लुक करेगा एंड स्लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो 3/4 मिल जाएगा कुछ इस तरीके का है। स्लीव्स थोड़ा डिफरेंट मुझे लग रहा है, बहुत ढीली ढीली सी लग रही है नीचे आते हुए, कुछ इस तरीके का आपको स्लीव्स का पैटर्न भी मिल जाएगा। सो डिसेंट सा ये आउटफिट है, बहुत ही प्यारा लगेगा गर्मियों में, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। बैक साइड से कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा एंड इसके साथ मुझे जो बॉटम आया है वो देख लेते हैं। बॉटम का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा है
है मलमल कॉटन, आपको इसका फैब्रिक मिलने वाला है। इस पर जो आपको प्रिंट है वो कुछ इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा, जिगजैग पैटर्न में आपको मिलने वाला है एंड 2-3 कलर्स का आपको इस्तेमाल किया हुआ मिल जाएगा। ब्लू के यहाँ पे शेड्स मिल रहे, लाइट डार्क एंड इस तरीके का कलर कॉन्ट्रास्ट आपको मिलने वाला है। एंड नीचे आते हुए अच्छा खासा आपको फ्लेरी प्लाजो मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है यार, बहुत ही सुंदर एंड काफ़ी आई सूदिंग है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड फ्रंट कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, बैक पे आपको इलास्टिक मिल रहा है, इसके पॉकेट्स वगैरह नहीं है बट कुर्ते में पॉकेट है विच इज़ वेरी गुड। साथ में दुपट्टा आया है, तो दुपट्टा कलर कॉन्ट्रास्ट इसके पैंट जैसा ही है, बॉटम जैसा ही रखा गया है बट इस पर भी कुछ डिफरेंट आपको ना प्रिंट्स मिलने देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक काफ़ी बढ़िया है, मलमल कॉटन आपको इसके दुपट्टे के भी मिलने वाली, कुछ इस तरीके का आपको ये प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, सॉफ्ट सा फैब्रिक है, काफ़ी बढ़िया है। सो मुझे काफ़ी पसंद आया, पहनने के बाद ट्राई ऑन में आप देख पा रहे होंगे मुझ पे कैसा लग रहा है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आउटफिट भी बहुत ही सुंदर सा कलर है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली एंड काफ़ी खूबसूरत सा ये आपको आउटफिट मिलने वाला है। कलर ग्रीन है, देख लो बहुत ही प्रिटी ग्रीन कलर है एंड इसका योग पार्ट आप देख लो कितना सुंदर, इस पर ना आपको थ्रेड एंड सीक्वेंस जरी का वर्क मिल जाएगा, काफ़ी नीट तरीके से वर्क किया गया है, बहुत ही सुंदर फैब्रिक रेयॉन कॉटन मिल जाएगा आपको, जिसपे आपको ये साइड में छोटे छोटे बूटे दिख रहे हैं ना, ये सारे प्रिंटेड है, गोल्ड प्रिंट है बट काफी डिसेंट सा ये आउटफिट लगा मुझे। एंड अगर हम इसके स्लीव्स की बात करें तो आपको 3/4 मिल जाएगा, अगेन स्लीव्स पे भी डिटेलिंग करी गई है, वही जो इसके नेक पे किया गया है ना सेम वही डिटेलिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ऑल ओवर कुर्ते पे आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा, स्ट्रेट फिटेड कुर्ता है तो साइड से आपको एक स्लेट भी मिल रही है, स्लेट काफ़ी डिसेंट सी है, सो आपको एक स्लेट मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको एक स्लेट मिलेगी, काफ़ी बढ़िया सी है। अगर हम बैक की बात करते हैं तो बैक कुछ इस तरीके से है, सो आप इसके साथ गोल्डन रेड एंड अब ग्रीन कलर के भी किसी बॉटम के साथ आप इसे ना पहन सकते हो, बहुत ही सही और काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा सा ये आउटफिट है एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है, तो आप थोड़े दिन इसे किसी पार्टी वगैरह में पहनो एंड देन इसे आप घर पे भी निकाल लो तो भी कोई मतलब ऐसा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे एंड इसकी फैब्रिक वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, देख लो कितना छोटा सा हो जाता है। सो ये आउटफिट अच्छा है ये, तो बस यही था आज का मेरा हॉल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो या मेरे कंटेंट पसंद आते हो, अगर आपको मेरा वीडियो या कंटेंट पसंद आता हो सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।